हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर एजाज एंड वेलकम टू दी 18 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DXMentor। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3D मॉडलिंग की कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स के बारे में बताया था और मैंने आपको प्रोपोर्शनल एडिटिंग के बारे में भी बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3D टेक्सचरिंग की वर्कस्पेस के बारे में बताऊंगा और ब्लेंडर की शेडिंग वर्कस्पेस के हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके पास होनी चाहिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर शेडिंग को या टेक्सचरिंग को इस कोर्स में ऐड करने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये कि आपको ये कोर्स आगे चल के इंटरेस्टिंग लगे, ना कि बोरिंग लगे। इसलिए 3D टेक्सचरिंग की बेसिक्स को सीखने के बाद हम 3D मॉडलिंग और 3D टेक्सचरिंग को ज्वाइन करके इस कोर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शेडिंग और 3D टेक्सचरिंग या किसी भी 3D ऑब्जेक्ट पर मटीरियल अप्लाई करना, इन तीनों बातों का एक ही मतलब है, यानी कि अपने 3D मॉडल को कलर करना, उन पर टेक्सचर्स अप्लाई करना। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद यहाँ शेडिंग पर क्लिक करके मैं शेडिंग की वर्कस्पेस में आ गया। अब यहाँ साइड पर ये जो दो पैनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम आगे सही वक्त आने पर देखेंगे। ये जो पैनल आपको दिखाई दे रहा है ये 3D व्यू पोर्ट ही है। बस फर्क इतना है कि मॉडलिंग करते वक्त हम सॉलिड मोड में थे और टेक्सचरिंग करते वक्त हम मटीरियल प्रीव्यू मोड में आ गए हैं। यहाँ एडिटर टाइप में जाकर आप देख सकते हो कि ये 3D व्यू पोर्ट ही है और इन दोनों पैनल से तो आप ऑलरेडी वाकिफ हो। ये है आउटलाइनर पैनल और ये है प्रॉपर्टीज पैनल। ये जो पैनल आपको दिखाई दे रहा है इसे शेडर एडिटर बोला जाता है और यहाँ एडिटर टाइप में जाके आप कंफर्म कर सकते हो कि ये शेडर एडिटर ही है। 3D व्यूपोर्ट की तरह आप शेडर एडिटर में ऑल्ट और शिफ्ट दबा के मूव कर सकते हो, स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन करके जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो, होम बटन दबा के प्रॉपर जूम कर सकते हो और यहाँ साइड पर क्लिक करके सब कुछ डीसेलेक्ट भी कर सकते हो। ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इसे ब्लेंडर में नोड बोलते हैं, यानी कि ये बॉक्स एक नोड है और ये वाला बॉक्स भी एक नोड है। और यहाँ टॉप पर आपको नोड का नाम दिखाई देगा, जैसे कि इस नोड का नाम है प्रिंसिपल BSDF और इस नोड का नाम है मटीरियल आउटपुट। नोड को सेलेक्ट करके जी बटन दबा के आप नोड को आगे पीछे मूव कर सकते हो। मैंने नोड को कहीं भी मूव नहीं करना, इसलिए राइट क्लिक करके एक्शन कैंसिल कर दिया। और नोड्स की साइड पर ये जो डिफरेंट कलर के डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको सॉकेट्स बोला जाता है और ये जो वायर इन दो सॉकेट्स को आपस में कनेक्ट कर रही है इसे नूडल बोला जाता है। अगर मैं इस डॉट पर लेफ्ट क्लिक दबा के रखूँ और माउस को यहाँ मूव करके लेफ्ट क्लिक छोड़ दूं तो मैं इस कनेक्शन को डिसकनेक्ट भी कर सकता हूं। और अगर मैं यहां इस डॉट पर लेफ्ट माउस बटन दबा के रखूं और माउस को मूव करके इस नूडल को यहां कनेक्ट कर दूं तो मैं दोबारा से कनेक्शन बना भी सकता हूं। इसके अलावा मैं इस नूडल को यहां दूसरी सॉकेट में भी कनेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ तीसरी सॉकेट में भी कनेक्ट कर सकता हूँ और वापस से पहली वाली सॉकेट में भी कनेक्ट कर सकता हूँ। शेडर एडिटर में हमारे पास 3 शेडर टाइप्स होती हैं, नंबर 1 ऑब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ल्ड, नंबर 3 लाइन स्टाइल। जब भी कभी आप 3D मॉडल पर टेक्सचरिंग करोगे तो यहाँ से आप ऑब्जेक्ट टाइप में ही रहोगे। वर्ल्ड और लाइन टाइप क्या होता है वो हम आगे चलकर देखेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट में ही रहना है और यहाँ से यूज नोड्स वाली ऑप्शन को भी टर्न ऑन रखना है। मेरी आज की वीडियो में आपने शेडिंग वर्कस्पेस के बारे में जाना और मैंने आपको शेडर एडिटर के बारे में भी बताया। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि ब्लेंडर में नोड्स क्या होते हैं, नोड्स की सॉकेट्स क्या होती हैं और इनके बीच कनेक्शंस कैसे करते हैं और कनेक्शंस को डिसकनेक्ट कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रिंसिपल BSDF के बारे में डिटेल से बताऊँगा और 3D मॉडल के कलर को आप कैसे चेंज कर सकते हो इस बारे में भी बात करेंगे।